T28 CIM, कार्डेल इंडस्ट्रियल मेटल कंपनी CIM इज अ लार्ज सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स. द कंपनी इज स्प्लिट इनटू टू डिविजन्स, डिविजन एफ एंड डिविजन एन. ईच डिविजन ऑपरेट सेपरेटली एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर विथ ईच वन हैविंग फुल कंट्रोल ओवर इट्स नॉन करंट एसेट्स. इन एडिशन बोथ डिविजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन करंट एसेट्स, कंट्रोलिंग देयर ओन लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री एंड कैश एंड हैविंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रेडिट टर्म्स गारंटीड टू कस्टमर्स एंड कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल बैलेंसेज. सिमिलरली ईच डिविजन हैज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर करंट लाइबिलिटीज एंड डील्स डायरेक्टली विद इट्स ओन सप्लायर्स. ठीक है. ईच डिविजनल मैनेजर इज पेड अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम प्लस एन एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस बेस्ड ऑन द आरओआई अचीव्ड बाय देयर डिविजन फॉर फॉर द ईयर. ईच डिविजनल मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ मिनिमम आरओआई फॉर देयर डिविजन ऑफ 10% पर एनम. इफ मैनेजर ओनली मीट्स 10% इफ मैनेजर ओनली मीट्स द 10% टारगेट देन दे आर नॉट रिवॉर्डेड बोनस. जस्ट 10% अगर उसने मीट किया तो 10% के बोनस ऊपर नहीं चाहिए। मिलेगा. हाउएवर फॉर ईच होल परसेंटेज पॉइंट अबाउट 10% विच द डिविजन मैनेजर अचीव फॉर द ईयर अ बोनस इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द सैलरी इज पेड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम बोनस इक्विवेलेंट टू 30% ऑफ द एनुअल सैलरी. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर 31st of August 2015 एंड डिविजन इन्वेस्टेड 6.8 मिलियन इन न्यू इक्विपमेंट इंक्लूडिंग अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कटिंग मशीन विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाई 8%. डिविजन एफ हैज मेड नो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑल दो अ कंप्यूटर सिस्टम इज बैडली नीडेड इन फॉर अपडेटिंग. डिविजन एफ मैनेजर हैज सेड दैट दे हैव ऑलरेडी हैड टू डिले पेमेंट्स टू सप्लायर्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैश एंड कंप्यूटर सिस्टम विल जस्ट हैव टू वेट ऑल दो द कैश बैलेंस एट डिविजन एफ इज स्टिल बेटर देन दैट ऑफ डिविजन एन. तुझे मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन ही ये शो कर रहा है ना, एक्सेल शो कर रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन ना. ठीक है. अभी एक्सेल बता रहा है। अभी आया ना एक्सेल बराबर, मतलब बराबर शो हो रहा है ऐसा. फॉर ईच डिविजन फॉर द ईयर एंडेड टू द 31st of August 2015 कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट क्लोजिंग आर ओ आई ऑन विच द पेमेंट ऑफ मैनेजमेंट बोनस विल बी बेस्ड. ब्रीफली जस्टिफाई द फिगर्स यूज इन योर कैलकुलेशन. नोट 3 मार्क्स अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन एंड 2 मार्क्स अवेलेबल फॉर डिस्कशन. अच्छा ठीक है. तो ये फिगर्स लीडिंग टू 31st of August 2015 है. इधर ऑलरेडी आरओआई काफी ज्यादा दिख रहा है मेरे को, सो आई डोंट थिंक ये 6.8 जो है ये इसमें इंक्लूडेड रहेगा. सॉरी नहीं नहीं रहेगा ऐसा, मतलब इसमें अंदर वो ऑलरेडी है ऐसा मुझे लगता है. वो ना डिवीजन एंड इन्वेस्टेड इन 6.8 इन हाँ न्यू इक्विपमेंट। हाँ हाँ बराबर, मुझे वही इंक्लूडेड लगता है कि इंक्लूडेड रहेगा आई गेस। रहेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि वो स्टेटमेंट के बाद आया है एडजस्टमेंट की तरफ. बट नहीं वो लोग बोलते अगर इंक्लूडेड नहीं रहा तो अपने कभी तो बोला था। लेस हेड ऑफिस कॉस्ट, एक्चुअली हेड ऑफिस कॉस्ट नहीं आने चाहिए. सो नेट प्रॉफिट, यू नो नेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफिस कॉस्ट रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट.
हम हमारा कंट्रोल देखते हैं, तो दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड. 1286. वन टू सिक्स फाइव, 684. नॉन करंट एसेट्स पे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके अंदर आता है 60 प्लस इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स इज 2480 माइनस ट्रेड पेबल्स इज 2960. यहाँ पे आएगा 14980 प्लस 3260 प्लस 1400, नहीं प्लस नहीं माइनस, सॉरी ट्रेड पेबल्स माइनस, तो इतना. देयरफॉर आरओआई जो आएगा वो आएगा सी कंट्रोल वी. बोनस फिर भी मिल रहा है ब्रो इसको, डिवीजन एन को. अच्छा ही है फिर, गंदा सिस्टम लग के भी। ठीक है, तो फुल परसेंटेज कितना है? परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज, फुल परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज वुड बी कितना, वो वाली तुम बताना है. फुल परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज कितना है? तो मेरा आरओआई जो आता है वो आता है 28%, और यहाँ पे आता है 11%, 11.6, 7%, 11.7%, और यहाँ पे 28.5% आरओआई इंक्रीज. तो मैं जो फुल परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज है वो है 18%, और यहाँ पे है 1% फुल परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज मैं क्या बोल रहा हूँ, मिलेगा. बोलना. तूने आरओआई में क्या लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों लिया? आरओआई मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों लिया? क्योंकि जो हेड ऑफिस का कॉस्ट रहता है वो अपने, वो अपन नहीं करते इनकर, मतलब वो अपने, हाँ वो कंट्रोलेबल, मतलब वो हेड ऑफिस ने लिया डिसीजन, बट वी विल ओनली टेक द प्रॉफिट दैट इज कंट्रोलेबल. ऐसा तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट तेरे को सामने से दिया है, वो क्यों नहीं ले रहा है डायरेक्ट? ओ सेम ही अमाउंट है यहाँ पे, राइट. ठीक है मैंने माइनस तो किया. ठीक अभी हर परसेंटेज पॉइंट पे क्या हो रहा है? हाउएवर फॉर ईच होल परसेंटेज पॉइंट अबाउट 10% विच द डिवीजन अचीव्स फॉर द ईयर अ बोनस इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ एनुअल सैलरी इज पेड. तो मैक्सिमम बोनस इक्विवेलेंट टू 30%. तो अभी हर परसेंटेज पॉइंट में मुझे 2% का बोनस मिल रहा है. सो बोनस इज लिमिटेड टू 30%, और यहाँ पे आएगा 2%. तो ये आ गया इन लोगों का. फिर मुझे बोनस का अमाउंट भी बताना है क्या? नहीं, वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताना है. बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन इन पार्ट वन, कैलकुलेट ईच मैनेजर्स बोनस फॉर द ईयर एंडेड 31. ठीक है, वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है. यहाँ पे सिर्फ मुझे जस्टिफाई करना था, मैंने जस्टिफाई किया. तो इस सेकेंड पार्ट में मुझे अगर बोनस बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरा जो 30% है और यहाँ पर मेरा 2% है बोनस का, अब वो मुझे सैलरी के ऊपर वो मिल रहा है कि कैसे मिल रहा है?
एनुअल सैलरी पेड में, एनुअल सैलरी जो है वो मुझे है 1,20,000, वो है 1,20,000 और वो है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो वो आती है इतनी 26,36,000 एंड 2,400। लेट्स गो, लेट्स चेक कितना है अपना क्वेश्चन नंबर 328। ओ एग्जैक्ट, कंट्रोलेबल प्रॉफिट दिया हुआ है, आरओआई परफेक्ट आया है, फिर उसके बाद बोनस भी 2,400 और यहाँ पे आया है 43,200। वाई सो, वाई सो 43,200? नहीं ये देखो, हाँ मैनेजर बोनस 36,000, वही मैं सोचू बराबर, बोनस 36,000 एंड यहाँ पे मैनेजर बोनस 2,400। लेट्स गो, अभी नेक्स्ट डिस्कस वेदर आर ओ आई इज प्रोवाइडिंग अ फेयर बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द मैनेजर्स बोनस एंड द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूज एट सी आई एम फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ अगस्त 2015। आर ओ आई इज नॉट प्रोवाइडिंग अ फेयर बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजर्स बोनस, पहली बात तो दिस बिकॉज इफ यू सी डिविजन एन हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड 6.8 मिलियन इन न्यू इक्विपमेंट इंक्लूडिंग टेक इंक्लूडिंग ये सब, वो सब अपन कॉपी पेस्ट करेंगे। वेयर एज डिविजन एक्स इज नॉट अपडेटिंग द एसेट्स दो अ कंप्यूटर सिस्टम इज बैडली नीडेड सो एज टू अर्न हायर बोनस बिकॉज इफ नॉन करंट एसेट्स आर रिप्लेस्ड विच आर करेंटली एट देयर कैरिंग वैल्यू देन आर ओ आई will be increased because the capital employed figure decreases. Thus manipulating the results in order to get bonus. And एक और है कि division F manager has said that they have already had to delay payments to suppliers. तो वो कहीं ना कहीं जानबूझ के delay भी कर रहे हैं suppliers को payment. जिससे कैप हाँ कैश कैश इन ज्यादा दिखे। अब इसके अलावा एक्चुअली आरआई लेना चाहिए विच इज रेसिड्यूअल इनकम बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट एंड द नोशनल इंटरेस्ट ऑफ जस्ट कैपिटल ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ डिस्कशन पढ़, तू पढ़ेगा? द मैनेजर ऑफ डिवीजन एन विल बी पेड अ फार स्मॉलर बोनस देन द मैनेजर ऑफ डिवीजन एफ दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्ज असेट बेस ऑन व्हिच द आरओआई फिगर हैज बीन कैलकुलेटेड टोटल एसेट्स ऑफ डिवीजन एन आर ऑलमोस्ट डबल द टोटल एसेट्स ऑफ डिवीजन एफ दिस इज लार्जली एट्रीब्यूटेबल टू द फैक्ट दैट डिविजन एन इन्वेस्टेड 6.8 मिलियन इन न्यू इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर इफ दिस इन्वेस्टमेंट हैड नॉट बीन मेड द नेट एसेट्स वुड हैव बीन ओनली 10.04 मिलियन एंड फॉर एंड एंड द आर ओ आई फॉर द डिविजन एन वुड हैव बीन 19.62%। दिस वुड हैव लेड टू द पेमेंट ऑफ 21,600 बोनस दैट इज 9 into 2,400 रादर देन द 2,400 बोनस कॉन्सिक्वेंटली डिविजन एन्स मैनेजर इज बीइंग पेनलाइज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस व्हिच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट व्हिच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिविजन इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट द दे डिड नॉट दे डिड डिसाइड टू इन्वेस्ट गिवन दैट दे न्यू दैट दे वुड रिसीव अ लोअर बोनस एज अ रिजल्ट। दिलदार है भाई। दे हैव एक्टेड टोटली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। डिविजन एफ्स मैनेजर ऑन द अदर हैंड हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट दे हैव मेड नो इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट इवन दो इट इज बैडली नीडेड। ये साहिल है। नहीं मैं ही हूँ भाई, और डिवीजन एन जो है ना भाई वो जलता है भाई, डिवीजन एफ से जलती उसकी जलती है कि डिवीजन एफ है को। भाई। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। डिविजन एफ्स ट्रेड पेपर्स फिगर इज मच हायर देन डिविजन एन्स। दिस ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन रिड्यूसिंग द नेट एसेट्स फिगर ऑन विच द आर ओ आई हैज बीन बेस्ड। डिविजन एफ्स ट्रेड पेबल्स आर ओवर डबल दोस
ओवर डबल दोज ऑफ डिविजन एन इन पार्ट वन वुड एक्सपेक्ट दिस बिकॉज सेल्स आर ओवर 50% हायर नो परचेस फिगर इज गिवेन हाउएवर इट इज क्लियर दैट इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लो कैश लेवल्स एट डिविजन एफ द फैक्ट दैट द मैनेजर डिविजन ऑफ डिविजन एफ इज देन बिंग रिवॉर्डेड फॉर दिस इवन दो रिलेशनशिप विद इन विद सप्लायर्स मे बी एडवर्सली अफेक्टेड इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इफ द कंट्रोलेबल भाई कितने वक्त का आंसर है ये इफ द कंट्रोलेबल पढ़ते प्रॉफिट टाइम ही पूछ में एक मिनट कितने बार का आंसर है वही भाई इतना क्यों बोल रहे हैं ना। इफ द कंट्रोलेबल प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड इट इज 18.24% ऑफ डिविजन एफ एंड 22.64% ऑफ डिविजन एन देयरफॉर इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इग्नोर्ड इट कैन बी सीन दैट द डिविजन एन इज परफॉर्मिंग बेटर आरओआई इज सिंपली मेकिंग द डिविजन्स परफॉर्मेंस लुक वर्स बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एसेट डिविजन एन मैनेजर इज लाइकली टू फील एक्सट्रीमली डिमोटिवेटेड बाय देयर कंपेरेटिवली स्मॉल बोनस एंड इन फ्यूचर दे मे चूज टू पोस्टपोन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर बोनस मैनेजर्स नॉट इन्वेस्टिंग इन द न्यू इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी विल मीन दैट द कंपनी विल नॉट कीप अप विद द इंडस्ट्री इंडस्ट्री चेंजेस एंड अफेक्ट्स इट्स ओवरऑल फ्यूचर कॉम्पिटिटिवनेस टू समराइज नहीं जानना है भाई द यूज ऑफ आर ओ आई इज लीडिंग टू सब ऑप्टिमल डिसीजन एंड लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस एज वॉट इज गुड फॉर द मैनेजर्स इज नॉट गुड फॉर द कंपनी एंड वाइस वर्सा ठीक है लकीली द मैनेजर ऑफ एट डिविजन एन स्टिल अपियर्स टू बी एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी बट द अदर मैनेजर इज नॉट द फैक्ट दैट वन मैनेजर इज रिसीविंग अ मच बिगर बोनस देन द अदर इज टोटली अनफेयर हियर एंड मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन द लॉन्ग रन दिस इज नॉट गुड फॉर द कंपनी पर्टिकुलरली इफ देयर बिकम्स अ टाइम वेन द डिविजन नीड टू बी वर्क टूगेदर लफड़ा हो जाएगा भाई अगर नहीं काम करेंगे तो। देखो तू बोनस कैसे ज्यादा ले रहा है ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ आरओआई एंड आरआई एज मेथड्स ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिविजन्स। एक्सप्लेन टू फर्दर मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस दैट कुड बी यूज्ड इन एडिशन टू आरओआई एंड आरआई। भाई साहब मेरे को ये आरआई क्या और मेरे को क्वेश्चन आरओआई और आरआई इतने मेहनत के बाद याद आया क्या रखे हैं मैंने। वीकनेसेस तो यही है कि एक तो कैरिंग वैल्यू अगर एसेट नहीं रिप्लेस किया तो कम आती है जिसके वजह से आरओआई को मैनिपुलेट करना आसान है। मैनिपुलेट करना आसान है उसका बेनिफिट आरओआई का मुझे एक अभी तक याद है कि आरओआई इज वेरी सिंपलर टू अंडरस्टैंड फॉर नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स बिकॉज इट इज अ परसेंटेज फिगर एंड इट इज इन लाइन विद आरओसी। यस नाइस आ रहा है के बारे में आर आई क्या। का आर आई अपन आर ओ आई का डिसएडवांटेज वीकनेसेस आर आई में आर आई के स्ट्रेंथ में आता है क्या हाँ एक आता है वो कैरिंग वैल्यू का क्योंकि आर आई का जो तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर है उसके ऊपर तेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सो अगर तेरा वही कम है तो इंटरेस्ट जो तू कैलकुलेट करेगा वो भी कम आएगा। सो प्रॉफिट में हाँ से कम अमाउंट माइनस होगा तो आएगा। आर आई का डिस वीकनेसेस क्या है दोनों में वो डाल देंगे मैनेजर्स माइट बी डिमोटिवेटेड इफ द फिगर्स आर मैनिपुलेटेड और माइट हैव द इंटेंशन ऑफ कंडक्टिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। देखो आ रहा है का बेनिफिट नहीं आ रहा है क्या फायदा है आ रहा है का वो बेटर है इतना पता है ऐसे वो बता। हाँ गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर बिकॉज नहीं यार क्यों बेटर है। आ रहा है डिविजनल ओ राहुल बोला था ना कुछ तो डिविजनल वाइज कुछ तो करता है भाई डिविजनल वाइज वो एसेस करता है इनकम ऐसा वो पता राहुल है। बोला था ना एक याद है अपन थियरी पढ़ रहे थे तभी तो याद नहीं अच्छा यार राहुल में और तू इसका ही थियरी पढ़ रहे थे आर ओ आई वगैरह पूरा पढ़ते हैं आर ओ आई इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज एंड इज मोर इजिली अंडरस्टूड बाय नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स। आर ओ आई कैन बी यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस बिटवीन
डिफरेंट साइज डिविजन्स और कंपनीज, ओ शिट भाई, एप्पल्स ये ताकि टू एप्पल्स आ रहा है, आ रहा है, हाँ आ रहा है एप्पल्स टू एप्पल्स टू एप्पल आ एप्पल्स। रहा है। राइट राइट राइट, ये बोला था राहुल ने। आर ओ आई कैन बी यूज टू कंपेयर परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट साइज डिविजन्स और कंपनीज। इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आर ओ आई। आर ओ आई मे लीड टू डिसफंक्शनल डिसीजन। फॉर इंस्टेंस, इफ अ डिविजन इज वेरी हाई आर ओ आई ऑफ से 40% एंड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ विद एन आर ओ आई ऑफ 30% विच इज स्टिल वेल अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 10%, देन द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न वेल इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द डिविजन मे क्वाइट पॉसिबली रिजेक्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज एज वेन एडेड टू इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन इट विल रिड्यूस द आर ओ आई फ्रॉम 40%। बराबर, ये मतलब बेसिकली मैनिपुलेट करेगा फिगर्स को। अगर कैपिटल 10% होगा और आर ओ आई 40% होगा, और अगर 30% का प्रोजेक्ट भी है तो भी अपन नहीं करेंगे एक्सेप्ट। यूजिंग रेसिडुअल इनकम एज परफॉर्मेंस मेजर शुड इंश्योर दैट डिविजन मेक डिसीजन विच आर इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप एज अ होल एंड शुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम आउटलाइन इन द प्रीवियस पैराग्राफ। एक मिनट, तो एज अ परफॉर्मेंस मेजर शुड इंश्योर दैट डिविजन मेक डिसीजन विच आर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। ओके ओके ठीक है। डिफरेंट डिविजन्स कैन यूज डिफरेंट रेट्स टू रिफ्लेक्ट डिफरेंट रिस्क वेन कैलकुलेटिंग रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम इज नॉट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिविजन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। हाँ मतलब ये एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर नहीं करता आ रहा नहीं है। करता ए, एप्पल्स टू एप्पल्स सके कंपेयर करता है। इन्होंने क्या बोला, रेसिडुअल इनकम इज नॉट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिविजन। डिफरेंट साइजेस, तो डिफरेंट साइजेस को कंपेयर नहीं करता, आरओआई करता है एप्पल और बनाना को। अच्छा रेसिडुअल इनकम सिर्फ एप्पल और एप्पल को ही कंपेयर कर सकता है। ओके ओके ओके, लाइक टू लाइक ठीक है। बोथ रेसिड्यूअल इनकम एंड आर आई इम्प्रूव एज द स्टेज ऑफ एसेट्स इंक्रीज एंड बोथ प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू हैंग ऑन एज्ड ऑन टू एज्ड पॉसिबली एफिशियंट सॉरी इनएफिशियंट मशीन। मतलब वही अपन ऐसे बोला एज को। अदर मेथड्स ऑफ असेसमेंट कुड बी यूज्ड इन एडिशन टू आर ओ आई और आर आई इंक्लूड एक्सपेक्टेड वैल्यू एडेंस टू इज सिमिलर टू रेसिड्यूअल इनकम एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बुक वैल्यूज फॉर प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड द फिगर्स आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है द बैलेंस स्कोरकार्डो भाई, विच स्टिल लुक्स एट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस परहैप्स यूजिंग रेसिडुअल इनकम और आर आई बट ऑल्सो एनकम्पासेस थ्री अदर परस्पेक्टिव, द कस्टमर परस्पेक्टिव, द इंटरनल बिजनेस प्रोसेस परस्पेक्टिव एंड द लर्निंग एंड इनोवेशन परस्पेक्टिव। मैं तो आर ओ सी के बारे में सोच रहा था अदर मेथड्स मेरे में। को एक्सपेक्टेड वैल्यू का समझा नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे सिमिलर टू रेसिडुअल इनकम? एडेड इज सिमिलर टू रेसिडुअल इनकम एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग बुक वैल्यूज फॉर प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड द फिगर्स आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे लगता है कि ये लोग आउटकम्स को पैसे डिटरमाइन करके रखते हैं कि मेरा प्रॉफिट इतना 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 आएगा और मेरा हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम ही रहेगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कि नहीं वो तो तेरा फिक्स रहेगा लेकिन प्रॉफिट हाँ का हाँ आउटकम सेम रहेगा। तो तू 0.4 0.2 0.1 0.2 ऐसा तू डाल के रखेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेगा, वो तेरा प्रॉफिट आ गया और उसके हिसाब से तू कैलकुलेशन करेगा आगे, शायद ऐसा ठीक रहेगा। आई डोंट नो। है, कूल कूल।